तो गाइस देख लो इधर का व्यू। चल लग हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं रणथंभौर गणेश जी के। तो दोस्तों चलते हैं, सुबह के बज रहे हैं 7:30। हम नादों के रेडियो के हमारे साथ एक बैग पैक कर लिया हमने। ये देखो दोस्तों ये हमारे साथ हमारा बैग है, पानी की बोतल एक और कुछ नहीं, कपड़े हैं इसमें बस। और हम चल दिए गणेश जी के दर्शन करने। मेले का वक्त है, बारिश भी आ रही है दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं आगे लाल सूट या स्वाई माधोपुर। चलते हैं दोस्तों, जब तक आगे हम घर से अमलेश्वर पहुंच सके। हमारे साथ के लोग हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अमलेश्वर के, जा रहे हैं अभी जंगल में, पहाड़ों में। ये हमारे साथ हमारे दादाजी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय। तो गाइस ये जंगल देखो, क्या खूबसूरत जंगल नजारे। और ये देखो इधर अमलेश्वर के पहुंचने वाले हम थोड़ी देर में, आपको दिक्कत है आगे, हम आगे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, आपको बोले होगा दर्शन करते हैं, तब तक पानी दे। दर्शन कराते हैं अमलेश्वर भगवान के। अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए आप भी। तो गाइस आपको दर्शन कराते हैं। और ये हमारे साथ हमारा दोस्त छोटा, छोटे तो गाइस थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं बाबा के दर्शन करवाते हैं। पहाड़ के नीचे बाबा का दर्शनों का अद्भुत नजारा है यहाँ से। और ये देखो ठेली खा रहा है। तो चलते आगे बाबा के दर्शन कराते हैं। बाबा अंदर चलते हैं। दर्शन कर लिए, आगे चलते हैं ऐसे। आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, नीचे का बहुत जोरदार व्यू है। हेलो, दोस्तों यहाँ मैंने दर्शन कर लिया, इसके बाद आपको दिखाते हैं आगे चलते हैं गणेश जी के। तब तक आप कुछ बंदरों की फोटो देखो। तब देखो क्या दोस्तों, ये देखो छीन छीन के प्रसाद खा रहे हैं। बंकी बहुत है, ये देखो इधर एक ये बैठा है इधर। अरे नीचे क्या शानदार व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हो इसने प्रसाद की पूरी थैली खोल दी और ये प्रसाद खाने में बिजी है अभी। साथ आगे आपको दिखाते हैं श्री राम जानकी का मंदिर यहीं पे है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं आगे। तो हमारे साथ बने रहो आप भी। दोस्तों बंदर निकल गया एक साथ, चलते अंदर दर्शन करते हैं। श्री राम जानकी मंदिर है अभी। ये तो एक यह मंदिर एक ऊपर है, अपने को ऊपर चलना है दोस्तों। और यहाँ मंकियों ने आतंक मचा रखा है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों श्री राम जानकी धाम पे हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं आगे अंदर। श्री राम जानकी धाम में पहुंच चुके हैं दोस्तों, दर्शन कराते हैं वहाँ पे। तो गाइस श्री राम जानकी मंदिर इसके बाहर दिखाते हैं आपको, और आगे का व्यू क्या शानदार व्यू आ रहा होगा दोस्तों। और आपको इधर इस ऊपर ले चलते हैं थोड़ा ऊपर की साइड, हवा लग रही है यहाँ पे।
दोस्तों यहाँ से देखो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पहुंच चुके हैं गोमुखी पे गणेश जी के, और ये गाइस हमारे साथ मेरा दोस्त हमेशा साथ रहता है ये। गणेश जी के नीचे वाले जो रास्ता है किले की द्वार पे, अब अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं किले में गणेश जी के लिए दर्शन करने के लिए। किले का फर्स्ट द्वार जो कि आने वाला है आपको दिखाते हैं आगे। फर्स्ट द्वार नौलखा फॉल, एक दीवार क्रॉस दूसरी दीवार की ओर, इसको चीज देर बाद में फिर आपको दिखाते हैं आगे दूसरी दीवार की ओर। बहुत है और हम जा रहे हैं, हालत थोड़ी खराब हो रही है दोस्तों, पसीने आ रहे हैं इसलिए, और बीच बीच में बारिश भी आ रही है, कीचड़ हो रहा है पैरों में। तो ऐसे देख लो रणथंभौर फोर्ट के लिए कुछ लिखा गया यहाँ पे, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ दूसरे गेट में प्रस्थान किले के द्वार पे आ चुके हैं, आगे दिखाते हैं आपको आगे। चलान में ठेठ किले की इस पहाड़ी पे ठेठ ऊपर पहुंच गया था घोड़ा राजा को लेके, आपको दिखाते हैं आगे। ये घोड़ा के निशान बताए जा रहे हैं, निशान तो है हमें भी दिख रहे हैं, तो आगे चलते हैं। और ये गेट आ चुका है गणेश पोल, ये गणेश पोल गेट आ चुका है तीसरा गेट किले का, इसका नाम रखा गया है गणेश पोल दरवाज़ा। अब आगे की ओर चलते हैं, देख लो चौथा गेट और दीवारें ऊंची ऊंची, तीन गेट कंप्लीट हो चुके। अब अंधेरी पोल दरवाजा और ये उसकी ऊंची ऊंची दीवारें देख सकते हो किले की, और ये अंधेरी पोल दरवाजा उसके अंदर हम लोग पहुंचे। तो भाई इसे अंधेरी पोल दरवाजा क्रॉस, हमारे दोस्त करसन इसको पूछो इसकी हालत कैसी हो रही है। हम जाने की भावना में हैं, हम वापस लौट जाएंगे अभी। और गाइस यहां नेट चल चुका है, मेरे मैसेज आया है, मेरे पापा का पहले कॉल का मैसेज आ चुका है मेरे। हां और ये हमारे साथ मनीष, ये मेरा दोस्त आप देखते हो इसमें मेरे वीडियो में आता है, तो गंभीर समस्या, इसकी गंभीर समस्या हो रही है। पहली बात तो इसके चोट लग रही है हाथ में, और जो सांस भर रहा है अलग, थक गए पसीने पसीने हो रहे। किला आ चुका है, हम पहुंच चुके हैं, पार्क भी है सामने हमारे, आपको दिखाते हैं। तो गाइस किला देख लो पीछे, अंदर जाना मना है, और इधर की साइड है जो पार्क है जो राजा महाराजा का पहले का वक्त का भी, और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। किले का द्वार है, चलते हैं आगे।
प्रसाद की दुकान पे से 50 रुपए का प्रसाद ले लिया, खेले के अंदर दिया उन्होंने, डब्बे में 6 लाडू आए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। गाइस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं गणपति बप्पा के दरबार में और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो गाइस चुके हैं, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। भीड़ बहुत कम है आज, पिछले साल आया था मैं उस टाइम बहुत भीड़ जोरदार भीड़ थी, इस साल बहुत कम भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है अभी। तो लाइनों में लग चुके हैं, दर्शन करेंगे वाले हैं थोड़ी देर में मंदिर में दर्शन करने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस दर्शन कर लो। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, हमें आगे चलते हैं, आगे लिए प्रस्थान करते हैं। जंगल में घूम रहे हैं, आप देख सकते हो रास्ते निकले हुए हैं। यहाँ पे एक सिर्फ आदमी जा सकता है, इतना सा रास्ता है, कोई साधन नहीं जाता है यहाँ पे। और गाइस बहुत बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ पे, और अगर किधर से कुछ भी आए तो सीधा हमारे ऊपर अटैक है, कोई अटैक किसी के ऊपर नहीं हो सकता। आप देख सकते हो, देख लो सामने, देखो पीछे। जंगल में बहुत दूर चलना है हमें भी, यहाँ भी कम से कम 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, जो हम महादेव जी दिखाएंगे आपको और गुप्त गंगा यहाँ पे। गुप्त गंगा के पास पहुँच चुके हैं, आपको दिखाते हैं आगे, चलते हैं आ जाओ। तो गाइस चलते हैं अंदर, आपको अंदर गुप्त गंगा दिखाते हैं आपको आगे। तो गाइस नीचे ने थोड़ा डर लग रहा है मेनू, गाइस डर लग रहा है कहीं कुछ आ न जाए। तो गाइस चलते हैं अंधेरी गुफा। तो गाइस इधर पानी तो नहीं आ रहा है, तो गाइस इधर देख लो आप। तो गाइस यहाँ देख लो, यहाँ पहाड़ में हम कहाँ आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ आ गए दोस्तों हम। बहुत खतरनाक जगह ये, यहाँ पानी पीते थे पहले लोग। तो गाइस हमारे साथ वाले आ रहे हैं, देखो पीछे। तो गाइस इधर कुछ नहीं है, इधर शिवलिंग एक। तो गाइस इधर पानी पानी है, तो गाइस थोड़ा दूर है, अंदर है। तो गाइस आगे चलते हैं, तो गाइस अंदर चलते हैं थोड़ा। तो गाइस पानी तो है यार, देख लो आप, पानी दिख रहा होगा आपको। तो गाइस ये गुप्त गंगा है, इसको बोलते हैं गुप्त गंगा, इस बार थोड़ा पानी की कमी होने के कारण। गाइस चुके गुप्त गंगा, आगे चलते हैं, डर लग रहा है मेरे को। तो नीचे चला गया तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। अब चलते हैं आगे, गाइस आ चुके हैं आगे, इसको बोलते हैं जोरा बोरा। तो आगे दिखाते हैं आपको, इसके ऊपर चढ़ते हैं पहले, तब तक के लिए हमारे साथ वाले आ रहे हैं। पहले ऊपर आवा खाऊंगा तो आ जाओ ऊपर देखो, और भी बहुत जोरदार। और इधर ये मुख छतरी, उसको देख के आएंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए पीछे का एरिया देखो आप, कितना खूबसूरत गजब का नजारा है, आपको दिखाते हैं। और गाइस नीचे का दिखाते हैं थोड़ा आपको, मेरी हाई है।
आपको दिखाते हैं, अब शिव जी के दर्शन करवाते हैं, दिखाते हैं उनको। जो राजा अपने घुटनों के बल यानी अपने पैरों से, तो गाइस राजा जो अपने घुटनों के बल जो कि जल चढ़ा देता शिव जी पर, यहाँ बैठे बैठे जल चढ़ा देता। आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं, जब तक चलते हैं शिव जी के दर्शन करते हैं। आपको आगे दिखाते हैं मंदिर आ गया। तो गाइस ये छतरी देख लो आप, इसमें खम्भे खम्भे हैं, इसको बोलते हैं खम्भों की छतरी। तो गाइस महादेव जी देखो कितना ऊंचा है। चल लग सुबह के बज रहे 5 और हम चल दिए सोलेश्वर। तो गाइस देख लो कितनी जोरदार पब्लिक जा रही है, धमाकेदार। गिनती करोगे तो गिनती नहीं कर पाओगे, इतनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे। और ये जंगल ही जंगल है पूरा। बज गए 6:30 और हम जा रहे हैं सोलेश्वर के। अभी सुबह हो चुकी है और गाइस चलते हैं आगे। गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30 और सांस भर रहा है और हम पहुँच चुके हैं सोलेश्वर महादेव जी के। चलते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, इसके बाद चलते हैं आगे। तो गाइस देखो क्या गजब का सीन है इधर का, क्या शानदार सीन है, रोमांटिक सीन है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।